काशीपुर की सड़कों पर पूर्व में दो बार इंसाफ की आस में बैठकर थक चुकी एक महिला आज तड़के ही काशीपुर नगर निगम की महापौर उषा चौधरी के पोस्ट ऑफिस मार्ग स्थित निवास पर जा पहुंची। इस दौरान उसने मेयर व उसके पति से मिलकर न्याय दिलाने को लेकर उसकी मदद करने को कहा। महिला को मदद का आश्वासन देकर जब मेयर उषा चौधरी ने उसे 11 बजे कार्यालय आने को कहा तो महिला ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल काशीपुर के सैनिक कॉलोनी क्षेत्र की रहने वाली ललिता नामक एक महिला अपने ससुराल वालों व माई के पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर न्याय की मांग कर रही है। इससे पूर्व में भी इस महिला द्वारा काशीपुर की सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन किया जा चुका है। आज देर रात माई के पक्ष के लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट व अन्य मामले को लेकर एक बार फिर पीड़ित महिला आज सुबह नगर निगम के महापौर उषा चौधरी के घर जा धमकी, जिसके बाद काफी देर तक वहां हंगामा चलता रहा। उषा चौधरी के द्वारा फोन कर पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद मीडिया तथा पुलिस के वहां पहुंचने पर पीड़ित महिला किसी तरह से शांत हुई, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले गई। फिलहाल मामला पुलिस के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है। नवभारत समाचार काशीपुर उत्तराखंड से कुंदन शर्मा। जो भी ओपनली पब्लिक के लिए गाली देते हैं ना, बहुत गलत चीज है। नाम की माता और बहनों से सवाल करना चाहती हूँ कि वो जब पैदा होते हैं, मैं पिछले 35 साल से मैं अपनी जुबान जीवा को बंद करके क्यों रखूं? मेरी माँ मुझे कहती कि आवाज बंद कर रहा है। जो बलात्कारी है उसने इज्जत टूटी है, और जो मेरा पति है उसने मेरा पूरा का पूरा चीर हरण कर रखा है। तभी सीधा सीधा पुकारी लगा दो आग चल के दिखा दी। तभी मोदी को पुकारी राम राज्य, राम राज्य कौन सा राम राज्य? जॉब करने के सेक्शुअल हरासमेंट, ये सभी काम कभी घर में सेफ, न बाहर सेफ, न नौकरी में सेफ। एप्लीकेशन में कल रात 11 बजे से लेकर के पूरे काशीपुर थानालयों में घूम रही हूँ। कोई ज्यूरिडिक्शन के नाम पर मुझे यहाँ से वहाँ कर देता है। ये आप मेरा चेहरा देख रहे हैं। कल चौधरी जी के घर पर आई है, क्या कारण है? मेयर उषा जी की चौधरी के घर पर इसलिए आई थी कि वो एक वुमेन हो करके, एक औरत हो करके समझ पाएंगी एक स्त्री की गरिमा क्या होती है, एक स्त्री का शोषण क्या होता है, एक स्त्री के साथ हुआ बलात्कार का मतलब क्या होता है। ये पूरी एप्लीकेशन मैंने उनको पढ़ाई है। आई हैव रोट इट्स सिंस 11 PM इन द नाइट, आई एम रोमिंग ऑल अक्रॉस द काशीपुर, राइट। 35 साल से बलात्कार का इल्ज़ाम लेकर के अपने सर पे घूम रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी माँ मुझे कहती है कि अपनी इज्जत नहीं उछालते, परंतु जिसने बलात्कार किया वो है दोषी। मैं कुंठा में क्यों जीऊँ? मैंने किसी का बलात्कार नहीं किया। अब क्या आश्वासन है या क्या हुआ? कल पिछले 4 साल से मेरे पति, मेरे 14 साल से मेरे पति मेरे मायके छोड़ जाते हैं। मेरे मायके वाले उनके कहने पर मुझे मेरे ससुराल छोड़ जाते हैं, ठीक है। कोर्ट में केस करे मैंने, कुछ नहीं हुआ। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, 100 रुपये में पेशकार बिक गया। सारे के सारे जितने भी जजेस थे उन्होंने कोर्ट केस बंद कर दिए। वन स्टॉप सेंटर मुझे बोलता है कि प्रीति, इट्स माई निक नेम, ललिता क्या बोलते हैं, अपने हस्बैंड को मत बताना कि तुम बलात्कार हो, पर वो मुझे गाली देता है, वो मुझे मारता है, पीटता है, घसीट के घर से बाहर फेंकता है। आज आपके साथ क्या हुआ? आज मेरे साथ मैंने पहले भी क्या प्रोटेस्ट करा अपनी आवाज इस हमारे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करी, पूरी जनता तक पहुंचाने की कोशिश करी, क्योंकि ना कोर्ट में न्याय मिलता है ना पुलिस वाले FIR लिखते हैं। और पुलिस वालों ने पिछले बार जब धरना मैंने दिया था, मुझे जबरन लेकर के गए कोतवाली काशीपुर, और वहां पे बेल्ट से, जूतों से गला घोट करके मारने की कोशिश करी। मैं जब जब आवाज़ उठाती हूँ कि मेरे साथ गलत हो रहा है। कल घर में भी तीनों भाइयों ने दारू पी करके मेरा क्या बोलते हैं रेप करने की कोशिश करी है कि तू कर क्या सकती है। मेरे ससुर ने भी मुझे बोला है कि मैं चार पुलिस वाले, ये डिप्टी कमांडेंट रिटायर्ड है BSF से, चार सिपाही बुलाऊंगा, तेरा रेप करा करके
घंटा घर में टांग दूंगा। क्यों है आज उनकी इतनी हिम्मत? उषा जी के पास में आई थी कि आप एक औरत हैं, औरत रह करके आप मेरे गौरव को और जो गलत हो रहा है इस समाज में उसको समझेंगी करके, परंतु उनके पति ने भी मुझे गाली दी है। उन्होंने कहा कोतवाली चले जाओ, वो आपकी रिपोर्ट लिख देंगे। नहीं उषा जी, मैं ऑलरेडी ज्यूरिडिक्शन ITI पढ़ता है, मैं वहाँ पे हो करके आ चुकी हूँ। आप एक मेयर हैं, आप एक औरत हैं, आप बीजेपी को क्या बोलते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट है, गवर्निंग गवर्नमेंट है। अब आपसे मैं क्या बोलते हैं आवेदन कर रही हूँ कि आप कुछ उचित कार्य करिए। सुबह सुबह तो कोई उठता ही नहीं है, मुझे दवाई खानी होती है और 10 बजे से पहले कोई भी नहीं आएगा ऑफिस में। हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, जरूर करूंगी। अच्छा ऐसा है, कोतवाली चले जाओ, मैंने उनको बोल दिया मेरा नाम लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। कोतवाली गए, उन लोगों ने मुझे बोला कि यहाँ ये ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, ये जाना पड़ेगा ITI थाने। अरे ITI थाने तो मैं पिछले क्या बोलते हैं 1000 बार में एप्लीकेशन ITI मेरा मेडिकल पड़ा होगा वहाँ पे, तब भी उन्होंने FIR नहीं करा। 2018 होली के बाद मेरे सारे भाइयों ने मारा।